दिल्ली में 24 फरवरी को भड़की हिंसा 3 दिनों तक चली। हिंसा थमी तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो इस बात की चुगली कर रही थीं कि दिल्ली को जलाने की साजिश बहुत पहले ही रच ली गई थी। साजिश की कहानी बयां करती सबसे खौफनाक तस्वीरें मौजपुर स्थित आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर से आईं। पेट्रोल बम, गुलेल और पत्थरों से अटी पड़ी इमारत से जो सबसे खतरनाक चीज मिली वो थी सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब। ताहिर के घर से भारी मात्रा में तेजाब से भरे पाउच मिले थे। पार्षद ताहिर हुसैन के घर पर ऐसा कोई काम नहीं होता था जिसमें इतने खतरनाक तेजाब का इस्तेमाल होता। साफ जाहिर है कि ये केवल लोगों पर फेंकने के लिए थैलियों में भरकर रखा गया था जिन्हें छत से फेंका जाना था जिससे नीचे मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। जी मीडिया ने अब उस फैक्ट्री को खोज निकाला है जहां से ताहिर के घर में ये तेजाब पहुंचा। ये फैक्ट्री शिवबिहार इलाके में है। शक है कि हिंसा में इस्तेमाल हुआ तेजाब इसी फैक्ट्री से गया था जो चोरी छिपे रिहायशी इलाके में चलाई जा रही है। शिवबिहार का तेजाब फैक्ट्री जो अब जांच के दायरे में है। जांच एजेंसियां जांच कर रही है कि क्या जो तेजाब का इस्तेमाल दंगों में हुआ था क्या इसी फैक्ट्री से निकली थी। हम शिवबिहार के इस तेजाब फैक्ट्री में हैं। यहां पर आप देख सकते हैं तमाम 5,000 की जो टंकियां हैं यहां पर तेजाब भरा है। ये रेसिडेंस इलाके में तेजाब फैक्ट्री चल रही थी क्योंकि साथ में ही यहां पर पेपर गोदाम है, स्कूल है, इन सब के बीच ये तेजाब फैक्ट्री चल रही थी। चूंकि इन दंगों में तेजाब का इस्तेमाल हुआ था लिहाजा जांच एजेंसी अब जांच कर रही है कि जो तेजाब यहां से गए थे उसी का इस्तेमाल हुआ। क्योंकि जिस तरीके से तमाम यहां पर रेजिडेंशियल इलाके में तेजाब फैक्ट्री है, इसका मालिक फिरोज है, उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। यमुना बिहार का रहने वाला है और फिलहाल वो फरार चल रहा है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तमाम कई सवाल हैं जिसका जवाब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है क्योंकि जांच SIT को सौंपा गया है। इस तेजाब फैक्ट्री के बारे में पता लगाया जा रहा है। ये तेजाब इतना घातक है कि किसी शख्स पर फेंकने के कुछ मिनटों में ही उसकी स्किन के साथ साथ अंदरूनी अंगों तक को जला सकता है। ये एसिड आमतौर पर फैक्ट्रियों में ही इस्तेमाल होता है। इसे बिना लाइसेंस, आधार कार्ड और कारण बताए आसानी से नहीं खरीदा जा सकता। तेजाब की 3 क्वालिटी में से ये सबसे घातक तेजाब है। हल्का तेजाब टॉयलेट साफ करने, दूसरा जंग लगे बर्तन को साफ करने के लिए और तीसरा मशीनों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पार्षद ताहिर हुसैन के घर से कुछ ही दूरी पर ये तेजाब की फैक्ट्री है जिसे छिपाने के लिए इसके आगे बैंड की दुकानों के बोर्ड लगा दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दंगों से पहले इसी फैक्ट्री से तेजाब की सप्लाई हुई थी। ये यहाँ जो दंगे में जो इस्तेमाल तेजाब हुआ है यहीं से कई दिनों से जो है, पहले तो ये एक कम मात्रा में जाया करता था लेकिन दंगे पीरियड में जब से ये जो CA का विरोध चालू हुआ है तब से ये यहाँ से इस टेम्पो में कई कई बार तेजाब जो भर भर के ये कहने गई है यहाँ से जो है। ये हरकत तो यही 5-7-10 दिन से चल रहा है। खूब 10 दिन करीब हो गए खूब इसमें से लेके जा रहे हैं ये और उधर से ही हमला करके वो आए थे सारे चढ़ के इधर को यहाँ तक तेजाब जा रहा था। हाँ तेजाब जा रहा था यहाँ से गाड़ियों से। इस दिन हिंसा हुआ था यहाँ पर सर, एक कार आई थी व्हाइट कलर की, उसमें ओला कंपनी की कार थी, उसके अंदर कार के अंदर एसिड भर भर के लेके गए थे उसके अंदर कैन भर भर के। अब ये नहीं पता वो सर कार किस काम के लिए लेके गए थे क्या के लिए लेके गए। हाँ इसमें शाम को गए 3-4 टेम्पो भर के गए इसमें से 23 तारीख को शाम को इसमें से 3-4 टेम्पो भर के गए है। कहने की कहने भर के जाती हैं इसमें से, अब इसमें कार्रवाई ना हो ये पहले से दुकान है एडवांस एक दिन का तो काम है नहीं, पहले से इनका सोची समझी साजिश चल रही है। कार्रवाई ना हो इसकी वजह से ये इन्होंने दुकानें खुलवा रखी हैं यहाँ पे। 4-5 साल पहले तक दिल्ली में तेजाब आसानी से मिल जाता था, लोग टॉयलेट साफ करने के लिए यूज में लेते थे। जब इसका दुरुपयोग होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में कैसे चल रही थी और कैसे यहाँ तेजाब बनाया और बेचा जा रहा था। जाहिर है जांच एजेंसियां जब ताहिर के घर मिले तेजाब के पाउचों का सोर्स तलाशेंगी तो हो सकता है उसका कोई सिरा इस फैक्ट्री तक भी पहुंचे और तब दिल्ली को झुलसाने वाली तेजाबी साजिश का पूरा खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।